गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, ओपन योर साइंस बुक। बच्चा, इसमें हमारे साइंस में क्या हो गया है, हमारा हाफवे तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने हाफवे तक का सिलेबस लिखिए। आपके हाफवे में ये देखिए, आज की डेट डाल के सिलेबस फॉर हाफवे एग्ज़ाम। आपके हाफवे में आएंगे लेसन 4 to 6, यानी कि लेसन 4, 5 और 6 आपका आएगा। 4 आपका है एनिमल्स देयर फूड एंड होम्स, और 6 आपका है बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, और 5th आपका जो इनके बीच का सब्जेक्ट सिलेबस है वो है बर्ड्स एंड देयर फूड। उसके बाद आपका आएगा प्रोग्रेस चेक टेस्ट 2nd, जो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था। आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो पेज नंबर, ओपन योर पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 निकालिए। इसमें आज से हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, एनिमल्स लाइफ के बारे में। लेसन 4th है एनिमल्स देयर फूड एंड होम्स, जानवर और जानवरों का भोजन और उनका घर। तो देखिए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, यू मस्ट हैव विजिट अ जू। अगर आप क्या जू चिड़ियाघर में जाएंगे, आप क्या देखते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखते हैं। देयर यू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, वहाँ क्या रहते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं। एनिमल्स नीड फूड, अब जो जानवर होते हैं उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, खाने की। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स लाइक अस, जैसे हम क्या हैं बच्चा, लिविंग थिंग्स हैं, सजीव प्राणी हैं, वैसे एनिमल्स भी क्या हैं, सजीव प्राणी हैं। दे नीड फूड टू लिव, उनको भी जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट फूड दे विल डाई, बिना भोजन के वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, भोजन से ही जानवर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। फूड हेल्प्स टू बिल्ड अप देयर बॉडीज, फूड उनकी मदद करता है उनकी बॉडी को बनाने में। यू हैव सीन अ स्मॉल पपी शकिंग इट्स मदर्स मिल्क, आप देखेंगे जो छोटा सा पपी रहता है वो किस प्रकार से अपनी माँ का दूध चूसता है, पीता है। सून इट्स ग्रो इंटू अ डॉग, और कुछ समय बाद वो क्या बन जाता है, एक बड़ा डॉग बन जाता है, बड़ा कुत्ता बन जाता है। फूड हेल्प्स एनिमल्स टू बिग टू ग्रो बिग एंड हेल्थी, तो जो भोजन होता है वो जानवरों को क्या बनाता है, बिग और हेल्थी बनाता है, बड़ा और हेल्थी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। एनिमल्स नीड फूड टू एनर्जी, एनिमल्स को भोजन से क्या मिलती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलती है। एनिमल्स नीड एनर्जी टू मूव अबाउट, वो एनर्जी जब ऊर्जा मिलती है उनको तो वो तभी क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। सम एनिमल्स वर्क फॉर अस, कुछ जानवर हमारे जैसा ही काम करते हैं। इन ओल्डन डेज कैमल्स डंकीज ऑक्सन हॉर्स एक्स्ट्रा यूज टू कैरी ऑल अवर लोड्स, पहले के टाइम पर जैसे गधे होते थे, घोड़े होते, खच्चर होते हैं, बैल होते हैं, ये हमारा क्या होता था, बहुत सारा भार को उठाते थे, हमारे सामान को उठाते थे। अभी भी हम देखते हैं जो हमारे खच्चर होते हैं, गधे होते हैं, ये बहुत सारा सामान उठा के ले जाते हैं। दे नीड एनर्जी टू डू वर्क, उनको क्या है, एनर्जी काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी भोजन से मिलती है। सो एनिमल्स नीड फूड टू गेट दिस एनर्जी, इसलिए जानवरों को भोजन की ज़रूरत होती है जिससे उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब देखिए, एनिमल्स नीड फूड टू स्टे हेल्थी, एनिमल्स नीड फूड टू कीप देम इन गुड हेल्थ, भोजन से ही एनिमल्स की क्या बनती है, गुड हेल्थ बनती है, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य बनता है। अ पेट डॉग इज़ हेल्थियर देन अ स्ट्रे डॉग, जो पेट डॉग पालतू कुत्ता होता है वो एक स्वस्थ होता है, किसकी बजाय, जो गली में घूमता है कुत्ता। दिस इज़ बिकॉज अ स्ट्रे डॉग डज नॉट गेट इनफ फूड, क्योंकि जो गली में रहता है आवारा जो कुत्ता रहता है उसको इतना भोजन नहीं मिल पाता जिससे वो क्या बने, स्वस्थ बने। डज एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो टू स्टे हेल्थी एंड टू वर्क, तो इसलिए भोजन की जरूरत होती है जिससे वो हेल्थी बने, क्या बोलते हैं, उनकी बॉडी ग्रो करे और वो अपना काम सही ढंग से कर सके। अब नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 29। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, अब बच्चे क्या होता है, जो जानवर होते हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती है, अलग अलग होती है, खाने की आदत अलग अलग होती है। वी हैव लर्न
दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, हमने पढ़ा है जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, लेकिन जानवर अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, इस संसार में हजारों प्रकार के जानवर रहते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वो अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, जो उनके खाने की आदत होती है तो तीन टाइप्स के एनिमल्स डिवाइड होते हैं। सबसे पहला आता है प्लांट ईटिंग एनिमल। प्लांट ईटिंग एनिमल में वो जानवर आते हैं सिर्फ जो प्लांट खाते हैं, जैसे हमारे क्या हो गए, काउ हो गई, बफेलो, गोट, शिप, रैबिट, जिराफ, एलिफेंट, ये सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ठीक है ना, लीव्स खाते हैं। सेकेंड है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ये वो जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, जैसे एग्जांपल लायन, टाइगर, लेपर्ड, वुल्फ, ठीक है ना, ये देखो दूसरे जानवरों को मार के अपना शिकार कर उनका शिकार करके खा रहे हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल। नाउ टर्न योर पेज, अब आता है बच्चा प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को मार के भी खाते हैं, एग्जाम्पल बियर, क्रो, वुल्फ, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब आता है डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक मतलब होता है पालतू जानवर। सम एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम घर में पालते हैं ये हमारा बहुत सारा काम करते हैं, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे काउ हो गई, गोट हो गई, बफेलो हो गई, जिनसे हमको बहुत चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए अब आगे देखिए, एनिमल्स लाइक जैसे कैमल्स हो गया, डेंकी, ऑक्सन, हॉर्स, एलिफेंट, ये क्या करते हैं, हमारा भार उठाते हैं, सामान उठाते हैं, तो ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल है जो हमारे मदद करते हैं। अब सम बर्ड्स लाइक हैंस डग गिव अस एग, देखो ये बर्ड्स होती हैं हमको एग देती हैं, तो ये देखो एग गिव अस लॉट ऑफ एनर्जी, और एग से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो इस तरीके से है। अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग ऑफ एनिमल्स, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।